वो कहते हैं ना कि दोस्त के रूप में सांप बैठे हैं, यकीन करो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। चेंज नहीं करेंगे, हमारा यही व्लॉगिंग रहेगा, इसी पे रहेंगे। मोनेटाइज होगा तो उसके लिए मुंह तोड़ जवाब उस दिन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रंग। तो दोस्तों आज की मजेदार वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो करते हैं शुरू। मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि मैंने चैनल बनाया क्यों है, कब बनाई है, और मैं आज यानी कि पिछली वीडियो की नस्बत में अब ज़्यादा वर्क क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने जब से पहली वीडियो बनाई थी ना, जब से पहले दिन मैंने जीमेल क्रिएट की, तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं पैसा कमाना है। मुझे पैसा तो ठीक है, मेहनत कर रहा है तो एक दिन पैसा भी आना है, बाकी एक जो हैरस होती है ना कि मैं अभी पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, वो सब मुझ में नहीं है। तो मैंने जब से पहले दिन ही वीडियो स्टार्ट की है, तो मैंने जस्ट फॉर फन के लिए मैंने ये चैनल बनाई है, और मैंने ये जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स के लिए यानी कि सीखने के लिए मैंने ये चैनल बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब के बारे में जितने जानता हूँ ना, तो शायद नए यूट्यूबर इतना नहीं जानते, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ बंदा ही सीखता है। तो बाकी अब मैं वर्क इसलिए कर रहा हूँ ना, अगले दिन मैं अपने दोस्त के पास गया, वो कहते हैं ना दोस्त के रूप में सांप बैठे हैं, यकीन करो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। तो मैं दोस्त के पास गया, मेरा थोड़े से काम था चैनल का, मैं वो गया, वो जब उस काम के लिए मैं अपने चैनल के काम के लिए उसके पास गया, तो वो हंसने लगा। तो क्योंकि पहले जिसके उसकी अपने इनकम नहीं थी ना, तो वो मुझे कहता था यार आप व्लॉगिंग पे काम करो, तो व्लॉगिंग की ट्रेंड ज़्यादा है। तो मैं उसके अलावा भी मैंने उसके कहने के बावजूद या पहले भी मेरा यही था, एंटरटेनमेंट व्लॉगिंग में था, तो मैंने अपने चैनल शुरू किया। जब उसके पास पैसा आया, तो अगले दिन मैं उसके पास गया, तो यकीन करें तो ये कहानी इंटरेस्टेड है, आप इसे सुने। तो जब मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार ये मसला ये हुआ, यार आप वैसे टाइम फजूल कर रहे हो, मुझे तरस आ रहा है, तो आप ये काम करो, ये चैनल छोड़ दो, व्लॉगिंग छोड़ दो, आप ये करो, आप ऐसे हो, ये है वो है। उसके साथ कोई अपना उसका दोस्त बैठा होता, वो भी हंसने लगा। उसके साथ मैं ज़्यादा वाकिफ नहीं था, पर दुआ सलाम उसके साथ भी था। तो मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि फिलहाल शायद आपके पास थोड़ी सी पैसा आई है, तो इसलिए आप उसने ये कह रहे थे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि मुकाम हर किसी को अल्लाह देता है, आपने खुद नहीं बनाई। तो प्रैक्टिस, ये एक तो प्रैक्टिस, दूसरी मेहनत, ये दो चीज़ ये इंसान को कामयाबी देती हैं। तो दूसरे अल्लाह जब राज़ी होता है ना, तो ये आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो मैं सारे दोस्तों को ये कहूँगा ना कि किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर एक काम दो दिन का हो जाए ना, तो आप उसे दो दिन का करें, लोगों के पास मत जाए, मैं आपको यकीनन कह रहा हूँ। तो ये कहते हैं ना कि यार वेला मुंडा हमारे साथ वीडियो वगैरह नहीं बनाती, ये नहीं बनाता, वो नहीं कहते, मेरे ख्याल में वो भी इसी साड़ की वजह से, इसी तपिश की वजह से वो इसलिए वीडियोज़ नहीं बनवाता, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना कि लोग वाच टाइम कम था, मेरे पास एक सब्सक्राइबर से लेकर लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल वालों के यानी कि वो से नंबर सेव है, यकीन करें। जिन जिन को मैंने कहा ना यार मुझे इस चीज़ का समझ नहीं है, मैंने पहले बाय किया था तो नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने चैनल में ये वीडियो कैसे ऐड करूँगा, तो मेरा वॉच टाइम, मैं अब मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो जाएगा, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो एक दिन याद रखना, तुम खुद चल के आओगे, ये मैं आपको वाजे करके कह रहा हूँ। तो आज मैं आपका नाम नहीं ले रहा, तो आइंदा आपके पास कोई आए ना, तो उसके साथ ये सलूक ना करना कि उसके साथ हंसना, उसके ऊपर हंसना कि यार तुम ऐसे हो वैसे हो, वो जिस काम के लिए आया ना, तो उसका काम करो, या कह दो कि मुझसे नहीं होता, ये मुंह पे हंसी दिल में सांप, ये क्या है, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको ये वीडियो के थ्रू कह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि मैंने पहले ओनली चैनल जस्ट फॉर फन के लिए रखा था, तो अब मैं इस पे काम करूँगा। ये वॉच टाइम क्या है, अगर सब्सक्राइबर इतने होंगे तो वॉच टाइम भी हो जाएगा। तो आप अपना ख्याल करें, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। बाकी तो इंशाल्लाह मैं आपके देखने वाले सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, अगर आप ओल्ड हैं यानी कि पुराने व्यूवर हैं मेरे, तो चैनल को इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, जब मोनेटाइज होगा तो उसके लिए मुंह तोड़ जवाब उस दिन होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, हम अपना कैटेगरी चेंज नहीं करेंगे, हमारा यही व्लॉगिंग रहेगा, इसी पे रहेंगे। तो अताउल्लाह का एक शेर है कि दिल उसी को दिया वही रहेगा, इसमें हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। जब से पहले दिन हमने व्लॉगिंग शुरू किया है, एंड तक इंशाल्लाह व्लॉगिंग पे काम करेंगे, ये चैनल व्लॉगिंग के लिए रहेगा। तो बाकी कोई और बनाए तो वो अलहदा मसला है। तो मैं सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, वीडियो को वॉच करें, तो इंशाल्लाह जब वॉच टाइम कम्प्लीट होगा, वो चेहरे मुझे याद हैं, आप टेंशन ना करें, जो
दोस्त के रूप में सामने बैठे हैं ना, वो चेहरे मुझे सब याद हैं, और जिसने मेरी मदद नहीं की तो मैं अब उन सबको कुछ नहीं कहना चाहता। जिस जिसको मैंने कॉल की है ना, वो सब मुझे याद है। इंशाल्लाह जब मोनेटाइज होगा तो मेरे ख्याल में कि एक बंदा कहता है यार मेरा मोनेटाइज नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, मुझे कामयाबी और नाकामी से कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस चैनल को इंशाल्लाह मोनेटाइज करके रहूँगा। अब आप लोग भी गवाह हैं, ये देखेंगे वीडियो तो चंद दिनों के अंदर, चंद दिन तो नहीं तो इंशाल्लाह अब कुछ दिन के बाद न्यू साल लगने वाला है 2024। तो फ्रेंड्स मेरा ज़ाती किसी दोस्त के साथ तो कोई इशू नहीं है, अगर वो शख्स समझ गया तो ठीक, न तो जान छुटा, इस इराकी में जान छुटा। तो वीडियो किस किस को सही लगी है तो आप अपना भी ख्याल रखें। अगर मेरे लिए कोई दोस्त को कोई हुक्म है ना, मैं यकीन से दिल्ली से आपको कह रहा हूँ कि मुझे कॉल करें, मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को खुद समझाऊँगा, क्योंकि ये दर दर के ठोकरे, ये यूट्यूब के मैं ये सब जानता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को गलत ना समझें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।